आपके साथ मुश्ताक अली साहब जुड़ चुके वाइस ऑफ इंडिया। मतदान के लेकर जिस तरह के माहौल बना हुआ था, सुबह से कसमकश भरी हुई थी। अभी दूसरे चरण में जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़त बढ़ा ली थी, वही जो तीसरे राउंड में बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी बढ़त बढ़ा ली है। पूरी 22 से लेकर 30 नंबर तक सीटें जो है बीजेपी को प्राप्त हुई है। बात करते हैं, क्या कहेंगे मनोहर भैया आपकी जीत को लेकर, क्या कहेंगे आप? मेरी जीत नहीं है, मेरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे सम्मानित मतदाता भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे वार्ड वासियों की जीत है। आप क्या कहेंगे जीत को लेकर, जिस तरह का खुशी का माहौल है, तीसरे चरण में बीजेपी का पूरे 9 सीटें प्राप्त हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मंडल भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का है। पूर्णिया कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपनी पराकाष्ठा, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने उम्मीदवारों के लिए काम किया है और उस काम का नतीजा आप देख रहे हो कि लगातार हम 9 सीटें एक साथ जीते हैं। वार्ड नंबर 26 की हम बात करें तो कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लोग वाह किस तरह की बातें उठी थी, जिस तरह से मनोहर भैया की जीत हुई, क्या कहेंगे आप? केवल हवा वाई थी, कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। हम जमीन पे काम करने वाले, हम हवा में बात नहीं करते। हमने जमीन पे काम किया और जमीन का काम आपने देखा सुपड़ा साहब किया है, इस तरह से देखा जा रहा, क्या कहेंगे आप बीजेपी की जीत को लेकर? बस विकास की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत हुई है और जीत हुई है। आप क्या कहेंगे विरेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है उसकी जीत है और सबके विकास की जीत है। बहुत बहुत बधाई। आज जो मनोहर भैया मोटवानी की जीत हुई, जिस तरह का खुशी का माहौल देखा जा रहा है पूरे पूरे वार्ड में, सिंधी समाज में, पूरी भाजपा जनता पार्टी में, क्या कहेंगे? देखो मनोहर भैया वो जमीनी कार्यकर्ता है, पूर्व पार्षद भी रहे हैं, इनका अनुभव भी है और इनको बहुत बहुत बधाई। और बात करते हैं, जिस तरह से देखा गया कि और भी हमारे साथ विजेता हैं, बात करेंगे धर्मेश भैया, क्या कहेंगे आप? सभी लोगों की, कार्यकर्ताओं की मेहनत और सभी वरिष्ठ नेताओं का सहयोग, मनीष भैया विशेष रूप से इनका, सभी वोट की बात करें, हम बीजेपी का वोट बनता है तो जो बंगला बगीचा समस्या है वो क्या इस पे प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल, बंगला बगीचा कुछ हद तक समाप्त हो चुकी है, अब कुछ संशोधन उसमें जो जनता की मांग है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, जनता की आवाज़ को आगे तक पहुँचाएगी। देखा आपने किस तरह से भाजपा में जो है एक जश्न का माहौल है, हम बात करेंगे और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, किस तरह का माहौल है, बात करते हैं वार्ड नंबर 18 से हमारे साथ रुपेन लोक्स मौजूद है, बात करें आपकी जीत को लेकर, क्या कहेंगे? ये मेरे भारतवासियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रहे हैं उनके प्रति सबका रुझान था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विजय। और भी हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 28 से कमल शर्मा मौजूद है, कि पिताजी की देहांत होने के बाद भी बीजेपी की जिस तरह से इनको बढ़त मिला है, उनकी जनता को मैं आशीर्वाद भुना नहीं पाऊंगा, और जो जनता जो मेरे को बोलेगी उनके जो वादे करें मैंने वो सारे वादे मैं पूरे निभाऊंगा, और जो सबसे मेन समस्या है बंगला बीजेपी की उसको इस बार बीजेपी के पार्षद जीत पूरी तरह से जीत चुके हैं, बहुत खुशी का माहौल है, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अंकित यादव के साथ मुश्ताक अली साहब की खास रिपोर्ट।